हम हालात पर काबू करने में कामयाब रहे। यूनिक्रॉन को रोकने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुश्मन साथी बन गए, साथी हिस्सेदार बन गए। और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से पृथ्वी बच गई। लेकिन उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब ऑप्टिमस ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को सौंपा, तब उसने प्राइम्स के जमा किए गए ज्ञान के साथ कुछ और भी खोया। कौन है ये? हमारे जानी दुश्मन। उसने अपनी याददाश्त खो दी। मैं समझी नहीं, ऑप्टिमस मेगाट्रॉन के दोस्त थे? हाँ, वो भी जिगरी दोस्त। अगर ऑप्टिमस को खुद का नाम याद नहीं, मतलब उसके हिसाब से उसे प्राइम का खिताब अब तक मिला नहीं है। क्या 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 मतलब? क्योंकि सांचा अब उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर से वही पुराना ऑप्टिमस बन गया है, जो ना ही प्राइम था ना ऑप्टिमस, बस एक पुराना मामूली क्लर्क था, ओरायन पैक्स। मतलब उन्हें ऐसा लगता है। तुम ये कहना चाहते हो कि प्राइम को लगने लगा है कि वो एक लाइब्रेरियन है और डिसेप्टिकॉन भी? सावधान वीरो, फिलहाल हमारा मेहमान अकेले में आराम कर रहा है, लेकिन जब ओरायन पैक्स वापस आएगा तब उससे तमीज से पेश आना। और अगर किसी ने उसे ऑप्टिमस प्राइम कहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं मानती हूँ कि वो एक ऑटोबॉट था, लेकिन क्या उसे यूं खुलेआम छोड़ना खतरनाक नहीं है? मेरी मर्जी के बगैर इस शिप में एक बटन भी नहीं दबता, इस बात को याद रखना अरैकनिड। लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ओरायन में वो दम नहीं जो ऑप्टिमस में हुआ करता था। फिर वो हमारे किस काम का है? तुम देखोगी कि ओरायन पैक्स हमारे कितने काम आएगा। जीतने की आदत डाल लो मेरे दोस्त। डिसेप्टिकॉन बनना कोई भी चुन सकता है फाउलर, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑप्टिमस जैसा कोई उसे चुनने का फैसला कर सकता है। तो वो डिसेप्टिकॉन्स के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेगाट्रॉन ने उन पर कोई जादू टोना किया है। भले ही ओरायन पैक्स अब एक ऑटोबॉट ना हो यहाँ से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा से वही रहेगा यहाँ से। हमें सिर्फ ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। एक सेकेंड, मैं इंसान हूं और मुझ में भी एक चिप लगाई गई है जिससे सरकार को पता रहे मैं कहां हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं कि प्राइम कहां है? पृथ्वी के कोर में जाने के बाद से ऑप्टिमस का सिग्नल गायब हो गया है, लेकिन हमें उसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो उसके कंटिंजेंसी प्लान को पूरा करने की उम्मीद छोड़नी होगी। कंटिंजेंसी प्लान? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा कोई वर्ड है भी? यानी वो चाबी, ये किसकी है? ये वेक्टर सिग्मा की एक चाबी है, जहां सारे प्राइम्स का ज्ञान संभाल कर रखा हुआ है। क्या वो किसी तरह का सुपर कंप्यूटर है? तो हम ऑप्टिमस की याददाश्त दोबारा उनमें डाउनलोड कर पाएंगे? बढ़िया, कहाँ है वेक्टर सिग्मा? यहाँ पर है या पीछे कहीं है? वेक्टर सिग्मा सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर है जैक, वो रहस्यमयी शक्तियों का एक प्राचीन स्रोत साइबरट्रॉन पर है। तुम ऑटोबॉट्स के कब्जे में थे, उन्होंने तुम्हें काफी समय से बेहोश रखा था, और हमें वो पूरा वक्त दूसरे प्लैनेट पर गुजारना पड़ा। दूसरे प्लैनेट पर क्यों? क्योंकि योद्धा रैचेट के गलत इरादों ने इसका
ये हाल बना दिया। साइबरट्रॉन, जैक्सन डार्बी, तुम किसी दूसरे प्लैनेट पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगी। तुम भी नहीं जाओगी मीको, इनमें से कोई एक चला जाएगा। जून सही है, ऑटोबॉट्स का काम ये लड़का क्यों करेगा? क्योंकि वेक्टर सिग्मा को या तो एक प्राइम खोल सकता है या उसका चुना हुआ कोई शख्स। ऑप्टिमस ने यह चाबी जैक को दी थी, अब उस पर जैक की यह खास छाप पड़ चुकी होगी। मतलब जैक भी एक तरह से महान प्राइम बन गया है। यूं समझ लो कि जैक ही हमारे ऑटोबॉट ऑप्टिमस को वापस लाने की एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन ऑप्टिमस ने एक इंसान की जान खतरे में क्यों डाली, वो भी एक बच्चे की। मैं बच्चा नहीं रहा मॉम। शायद ऑप्टिमस को जैक में वो नजर आया जो हम नहीं देख पाए। मकसद चाहे जो भी हो, जब तक साइबरट्रॉन पर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता, ये चाबी बेकार है। वहां जाने का कोई तरीका नहीं है। डूड, ये है ना हमारे पास। मीको, ग्राउंड ब्रिज के जरिए वो मुश्किल से अर्थ पर लौट पाए थे, याद है? हाँ, पर रैचेट ने इसे बनाया है तो वो इसे टर्बो चार्ज कर देगा। यकीन नहीं होता कि रैचेट ऐसा भी कर सकता है। हाँ, और इतनी तबाही के बाद भी उसकी ताकत की भूख मिटी नहीं है। उसकी हरकतों की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ के लोग हमसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हमने उन्हें बचाने का जिम्मा लिया है। जो साइबरट्रॉन में हुआ वो यहाँ नहीं होगा। एक सवाल है मेगाट्रॉन, हमें डिसेप्टिकॉन्स क्यों कहते हैं? ये भी ऑटोबॉट्स की ही गंदी चाल थी। वो चाहते थे सब हमें शैतान समझे, पर हम इस नाम को गर्व से लेते हैं। अगर सच्चाई की रक्षा करना गुनाह है तो गुनाह ही सही। अब चलो ओरायन, बातचीत तो बाद में भी कर सकते हैं, तुम आराम करो। मेगाट्रॉन, रैचेट को उसके किए की सजा देने के लिए मुझसे जो बन सके मैं करूंगा, और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लगता है हम ओरायन को झांसा देने में कामयाब रहे, अब वो हमारी उंगलियों पर नाचेगा। तुमने डेटा कोर को खाली कर दिया, बढ़िया। हमारे नए मेहमान को जितनी कम जानकारी मिले उतना अच्छा रहेगा। उसे हमारे बारे में ऐसा कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए जिससे उसे शक हो। दो बॉडी स्लैम बर्गर स्पेशल्स, एंजॉय। हाय जैक। सियरा, तुम आजकल दिखते क्यों नहीं? ये तुम क्या कह रही हो, हमारी तो केमिस्ट्री थी ना। क्लास, केमिस्ट्री क्लास। मेरा मतलब स्कूल के बाद से है, किसी पार्टी में नहीं दिखते हो और ना ही मॉल में। वैसे ज्यादातर मैं ये हैट पहने तुम्हें यही मिलूंगा, और क्या है कि बाकी वक्त मैं सेट की पढ़ाई में लगा रहता हूँ, फिर कुछ और काम भी निपटाता हूँ। रुको, जाना मत। वेलकम टू ड्राइव इन, आपका ऑर्डर क्या है? 5 बज गए जैक, शिफ्ट खत्म, चलो चलें। ओह, तो ये काम निपटाते हो। सियरा, रुको, वो मेरी मॉम थी। तुम्हारी मॉम बाइक पर अच्छी लगती हैं, इन कपड़ों में। मैं बीच में टांग अड़ाना चाहती तो नहीं थी। हमेशा अड़ाती हो। ऑप्टिमस का पता चला? आज तो नहीं, अब तक नहीं। साइबरट्रॉन पर जंग के आखिरी दिनों में जब हमने आयाकॉन हॉल के रिकॉर्ड्स हासिल किए थे, तब हमें कुछ खास जानकारियां मिली थी जो ऑटोबॉट्स के कोड्स में थी।
अब तक हम उन्हें समझ नहीं पाए। उन ऑटोबॉट कोड्स का मतलब आइकॉन का क्लार्क और आयन पैक्स बड़ी आसानी से बता पाएगा। काफी कुछ दांव पर लगा है तो क्या हमें सुरक्षा का इंतजाम कड़ा नहीं करना चाहिए? नॉकआउट, मेरा मानना है कि ओरायन कम तनाव भरे माहौल में ज्यादा अच्छा काम करेगा और उसे शक भी नहीं होगा। फिर भी मैंने जानबूझकर ओरायन को एनर्जॉन के कमरे के काफी नजदीक वाले कमरे में काम करने की जगह दी है, जो हमेशा कड़ी निगरानी में रहता है। मान गए। रैचेट, क्या तुम ग्राउंड ब्रिज को टर्बो चार्ज कर रहे हो? वैसा ही कुछ। ये सिर्फ एक कोशिश है, ज्यादा उम्मीद मत लगाओ। ओरायन, आयकॉन का काम कहां तक पहुंचा? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 कोड ही समझ पाया हूं। और उन कोड से तुम्हें क्या पता चला? जंग के दौरान इसे किसी ऑटोबॉट क्लर्क ने लॉक कर दिया था मेरे बेहोश होने के बाद। जितना मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेट्स लगते हैं उस जगह के जो इसी प्लैनेट पर है। मुझे शक है कि उन्होंने वहां पर कुछ छिपा कर रखा है, साइबरट्रॉन की किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या कोई पुरानी निशानी? मुझे तो डर है कि वो कोई बेहद खतरनाक हथियार हैं, जिन्हें सही वक्त के लिए छिपा कर रखा है। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस चीज को ऑटोबॉट के हाथ लगने नहीं दे सकते, कभी नहीं। अच्छा हुआ जो तुम हमारे पास लौट आए ओरायन पैक्स। लॉर्ड मेगाट्रॉन, एक बात अब तक मुझे समझ में नहीं आई। मुझे जो जानकारियां मिली हैं उनके मुताबिक स्टार स्क्रीम आपका डेप्यूटी कमांडर है, फिर भी मैंने उन्हें अब तक शिप पर नहीं देखा। अफसोस, कमांडर स्टार स्क्रीम मर चुका है। ओरायन बहुत सवाल पूछता है, एक क्लर्क के लिए अच्छी आदत है लेकिन डिसेप्टिकॉन के लिए नहीं। वो धीरे धीरे हमारी चाल समझ जाएगा और उसकी सही गलत की परिभाषा उसके काम में रोक लगाएगी, बस इससे पहले कि मैं उसे मारने पर मजबूर हो जाऊं। वो आयकॉन की सारी जानकारी मेरे हवाले कर दे। सो गए क्या? एक इमरजेंसी है। एजेंट फाउलर, ऑप्टिमस मिला क्या? नहीं, डिसेप्टिकॉन्स मिले और वो उसी मिलिट्री रिसर्च लैब पर हमला कर रहे हैं जिस पर 2 महीने पहले किया था। स्पेस ब्रिज बनाने के लिए हम उनके जरिए ऑप्टिमस तक पहुंच पाएंगे। रोल आउट। पावर सोर्स रख दो। क्या किसी की याद नहीं सता रही? ब्रिज को शुरू करो। हम तुम्हारे बॉस को कह देंगे कि तुमने सलाम भेजा है। आरसी, क्या मुसीबत है? ऑप्टिमस कहां है? जवाब दो।
क्या? आरसी, मुझे उसका स्वागत करने दीजिए। नहीं, अगर ओरायन की नजर एक और ऑटोबॉट पर पड़ गई और अगर उसने अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते देख लिया तो उसके सवाल सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। कुछ भी करके आरसी को इस शिप से जल्द रवाना करो। कमरे में वापस जाओ, लॉर्ड मेगाट्रॉन का हुक्म है। इतनी भगदड़ क्यों मची है? ये क्या? तुम ना ही डिसेप्टिकॉन का ठिकाना जान पाई और ना ही देख पाई कि ऑप्टिमस वहां है या नहीं। उतना वक्त नहीं मिला। बल्क है। क्या? तुम्हें उसकी जरूरत थी? मुझे तो बस अपने लीडर की जरूरत है। तुमने पूरी कोशिश की। हम में से कोई वहाँ होता तो ऑप्टिमस उसे वहाँ से बचा लाते। मैं उन्हें नहीं ला पाई। बात खत्म। रैचेट, तुम सबने ये क्या किया? वहाँ पर कई लोग जख्मी हो गए और ऊपर से मुझसे सैकड़ों सवाल पूछे जा रहे हैं। तुम ऑटोबॉट्स ने अगर कुछ नहीं किया तो पेंटागन तुम्हारा बेस बंद करवा देगी। उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? क्या पता, शायद वो हमें किसी आइलैंड पर भेज दे या स्पेस में उड़ा दे। कम से कम जान तो छूटेगी। फाउलर का कोई दोष नहीं। डिसेप्टिकॉन से लड़ने से पहले ऑप्टिमस इंसानों को वहाँ से कहीं और जाने को कहते। हमें नहीं मालूम कि ऑप्टिमस क्या करते हैं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। वाह, तुमने तो हम सब की आंखें खोल दी। ऐसी और भी कोई बात है जो तुम हमें बताना चाहोगे? बच्चों के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। hey, सबका ध्यान फजूल की बातों पर ही क्यों है? कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि डिसेप्टिकॉन्स वहां से क्या ले गए हैं? हाँ, पिछली बार जो पावर सोर्स हमने बनाया था वो उसे दोबारा ले गए स्पेस ब्रिज बनाने के लिए। और इस बात पर ध्यान देकर करें क्या? हम उनके स्पेस ब्रिज के तैयार होने का इंतजार करेंगे। क्यों? ताकि वो साइबरट्रॉन से और ज्यादा ज़ॉम्बीज यहां ले आए? नहीं, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके साइबरट्रॉन तक मुझे भेज सके। हाँ? वो, ये तो बड़ी आइडिया है। मीको की मंजूरी मिल गई, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये आसान होगा, लेकिन तुम पहले भी स्पेस ब्रिज पर कब्जा कर चुके हो। हमने उसे उड़ा दिया था, इसीलिए कब्जा करने और बर्बाद करने में बहुत फर्क है। बम्बलबी ने सही कहा, कोई तो रास्ता जरूर होगा। हेलो, स्पेस ब्रिज का मतलब समझते हो? स्पेस बहुत बड़ा है, कोई छोटा इलाका नहीं है जिसका पता किया और बस वहाँ चले गए। हम पृथ्वी के ऑर्बिट की छानबीन कर चुके हैं, कुछ होता तो हमें जरूर पता चलता। तो हो ना हो ब्रिज यहीं पर होगा, अर्थ पर। ये तो लोहे के कबाड़ में स्क्रू ढूंढने के बराबर है। तो अभी से उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन अब भी हम ये नहीं जानते कि रिसेप्टिकॉन ऑप्टिमस से क्या चाहते हैं, क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं।
स्टारस्क्रीम। कमांडर स्टारस्क्रीम कहो, तुम्हें जंग लग गया है क्या? जल्दी से अपने हथियार नीचे करो। माफ कीजिएगा सर, लेकिन लॉर्ड मेगाट्रॉन का हुक्म है कि आपको शिप में देखते ही कैद कर लिया जाए। क्या? जरूर तुमसे समझने में भूल हुई होगी। Optimus Prime!